नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विभाग नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। साथ में आप लोग 31 जुलाई 2021 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस बार आवेदन करना काफ़ी इजी है। आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है आवेदन करते टाइम, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 में एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरी करने का, तो आप सभी के लिए इफ्को की तरफ से साल 2021 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इफ्को की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ से हमको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का और साथ ही साथ आवेदन करने का लिंक भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे, सबसे पहले आप लोग डेट पे फोकस करिए, 18/6/2021 यानी कि 18 जून के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहां पे आपको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को मिलेगा। साथ ही साथ यहां से नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, जहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ मोड ऑफ सिलेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका मोस्टली इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बात करें वेतन के बारे में तो आपको स्टार्टिंग का 9,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी है। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 27 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 5 और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 सालों की उम्र में छूट भी रखी गई है। ये जो वैकेंसी है 2021 और 22 के लिए आ चुकी है। यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में यहाँ पे जो लास्ट डेट है यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, वो 31/7/2021 यानी कि यहाँ पे 31 जुलाई 2021 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। चलिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के आखिरी में एक बार डिटेल में आवेदन करके देखेंगे। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं इफ्को की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो कि आवेदन करने का है। एक्ट अप्रेंटिस के थ्रू यहां पे वैकेंसियां चल रही हैं। साथ ही साथ यहां पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी होगी। इसके बाद यहां पे किस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जो कि 16 अंकों का होगा। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट करने के बाद इसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पे फिल करना होगा, मोबाइल नंबर यहां पे डालना होगा, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको योर आंसर के अंदर फिल करना होगा। फादर्स नेम है आपको ऐड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहां पे आपको सेलेक्ट करनी होगी, जेंडर आपको बताना होगा, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भर्ती है, रिलीजन बताना होगा, इसके बाद अपनी कैटेगरी बतानी होगी, जनरल SC/ST या फिर OBC कुछ भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोग होंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा, क्या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। साथ ही साथ 1 से लेकर 3 पेजों का ऑप्शन है, जो कि आगे हम भर के देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो कृषि विभाग की तरफ से नई भर्ती 2021 के लिए आ चुकी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इफ्को, इसके बाद जो आपका चयन है मोस्टली यहां पे इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। सबसे मेन यहां पे आपका इंटरव्यू ही रहेगा। अगर आप लोग इंटरव्यू फाइनली क्रैक कर लेते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आवेदन करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2021 रखी गई है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे और आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऑफलाइन इसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं इफ्को रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना होगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी जहाँ पे आपको अप्रेंटिस की पोस्टें मिलने वाली हैं। आवेदन करने की डेट की बात करें तो 23 जून 2021 से लेकर आप लोग 31 जुलाई 2021 तक आवेदन कर पाएंगे, जहां पे आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 27 साल तक रहेगी। इसके अलावा इप्को के रूल के हिसाब से एससी एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 सालों की उम्र में छूट भी दी जा रही है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, यहाँ पे आपका कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इप्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप लोग कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेतन, यहाँ पे आपको 9200 प्लस यहाँ पे कैंटीन की भी फैसिलिटी आपके लिए रखी गई है। इसके बाद एजुकेशन है जो कि आपका मैट्रिकुलेशन 12th और मोस्टली यहाँ पे आपका अगर डिप्लोमा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैसे आवेदन करेंगे तो 31 जुलाई 2021 तक आपको इप्को की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आवेदन करना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर मिलेगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मोस्टली यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होने वाला है। इसके बाद सबसे मेन यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना काफ़ी आसान है, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड की एक लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड की लिंक पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके की फाइल पे क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा, अगर आप लोग डिस्कार्ड कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको की फाइल की बटन पे क्लिक करना है। अब आपका नोटिफिकेशन ऊपर डाउनलोडिंग में लग चुका है और कुछ टाइम बाद डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो मेरा नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे सामने ओपन हो चुका है, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी आसान नोटिफिकेशन है, इजी बोलेंगे, आप लोग इसको आसानी से रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टोटल नंबर वैकेंसी की बात करें 28 पोस्ट पर यहाँ पे आ चुका है। इससे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से इनरोल करना होगा, जहाँ पे आपको 16 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आवेदन करने के लिए। यहाँ पे भी लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्राउजर्स के ऑप्शन आएंगे और आप लोग किसी भी ब्राउजर से डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना होगा। यहाँ पे आप लोग जब आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन की बटन है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने इप्को का जो गूगल डॉक्स है यानी कि गूगल फॉरम है वो ओपन हो जाएगा। अब सिंपल सा है, आपको इसके अंदर से जाकर अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग चेकआउट करिए। अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्टेड है इप्को के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक या दो दिन के बाद आपको आवेदन करने की ए टू जेड डिटेल वाली वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।